नोएडा सेक्टर 106 भंगेल कन्या इंटर कॉलेज में हर समय भरा रहता है गंदा पानी, जिसको लेकर संवाददाता मोहम्मद अली मिर्जा ने नोएडा भंगेल सेक्टर 106 कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्णपाल सिंह से वार्ता की तो इस विषय में उन्होंने बताया है कि हल्की बारिश होने के कारण कन्या इंटर कॉलेज में नाला ऊपर होने के कारण तथा कॉलेज नीचे पड़ने के कारण पानी भर जाता है, जबकि लगातार डिपार्टमेंट की ओर से साफ सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। अभी दो दिन पहले ही हमने पानी निकलवाया था, कॉलेज में दवाइयों का भी छिड़काव करवाया जा रहा है, फॉगिंग भी कराया जा रहा है, वहीं हमारी ओर से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि खबर लिखे जाने तक कोई साफ सफाई नहीं देखी गई, ना ही कोई पानी की निकासी का समाधान है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी कॉलेज में अभी भी भरा है। कन्या इंटर कॉलेज के बच्चे कॉलेज में भरे पड़े गंदे पानी से बच बच कर निकल रहे हैं। इसमें ये कहेंगे जो नाला वो ऊपर हो गया है, हमारा स्कूल नीचे आ गया है और लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर सफाई की जा रही है। अभी दो दिन पहले पानी निकाला था, अब कल दवाई छिड़काव की गई है, फॉगिंग वाला भी आ रहा है, लगातार सब सुविधाएँ दी जा रही है। अच्छा, और ये बाहर गेट भी खुला रहता है, वहाँ पे गंदगी भी है? हाँ, वहाँ तो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उस कारण जो है गेट खुला रहता है जी। स्कूल का जो गेट खुला रहता है, मेन गेट? हाँ, मेन गेट इसलिए खुला रहता है क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल भी है इसमें। अच्छा। हाँ, गार्जियन आते रहते हैं, गेट कीपर वहाँ सामने बैठा हुआ है। अच्छा, इस विषय में आपने आला अधिकारियों को जो है इसका? हाँ, सूचना दे दी गई, कार्रवाई तुरंत। कब तक का आश्वासन दिया है उन्होंने पानी की समस्या का? उन्होंने कहा कि एक आध दिन में हो जाएगा और दवाई वाई सारी छिड़वा दी गई है सारी टोटल। अच्छा, ये कब से वैसे भर रहा है पानी, कितने साल हो गए ऐसे बारिश होने पे पानी भर जाता है? ये अभी भरने लगा क्योंकि ये मिट्टी इट्टी से भर गया है ना वो आपका नाला जो है। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।